Hello, my dear students, after so long time, I'm here to discuss a very important fact which most of the students usually ask. What is the use of since and for? What is the difference between them? Students, basically we try to speak English through Hindi and we get confused. Because in Hindi, the word since and for have similar meaning, that is to say. 1986, say. January, say. वह दिल्ली में 1990 से रह रहा है. राम 2 घंटे से खेल रहा है. सुबह 8:30 बजे से बारिश हो रही है से. अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें सिंस का इस्तेमाल करना है या फॉर का, जब दोनों का ही मतलब से है, तो हम किसका इस्तेमाल करें? ये समझने में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है. तो बेसिक पॉइंट जो सिंस और फॉर दोनों को अलग अलग करता है वो क्या है? सबसे पहले समझें, सिंस और फॉर दोनों ही समय को प्रदर्शित करते हैं. सिंस यूज किया जाता है जब हमें फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी एक निर्धारित समय, एक निर्धारित तिथि, एक निर्धारित समय की अवधि, सही समय बताया गया हो, हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे 11 जून 2022 से, सुबह 8:30 बजे से, 1990 से, जनवरी 2022 से, हमें बिल्कुल सही तिथि या समय बताया गया हो, तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे. और अगर हमें एक अवधि, समय का काल बताया गया हो, तब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. जैसे वह दिल्ली में 10 सालों से रह रहा था. 10 सालों से समय अवधि बताई गई है, लेकिन कब से कब तक वो तिथि नहीं बताई गई है, वो डेट एक्सप्लेन नहीं की गई है. वी हैव नॉट बीन गिवन द परफेक्ट डेट्स, ओनली अ टाइम पीरियड हैज बीन रेफर्ड. देन वी विल से ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स. अगर हम ये कहें वो 2001 से दिल्ली में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, हम जो ईयर 2001 या 2000 मान रहे हैं, 2001 से रह रहा है, he has been living in Delhi since 2001, because we have been given a perfect point of time. बच्चा 2 घंटे से सो रहा है. The child has been sleeping for 2 hours. बच्चा 5:30 बजे से सो रहा है. The child has been sleeping from 5:30 in the evening. So, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम समय बताने वाले इन तत्वों का जब भी प्रयोग करेंगे, whenever we use since and for, we have to take care that since is used when fixed point of time or day has been mentioned. And if it is not mentioned, only a period has been presented there, then we will use for. As I earlier told you, 10 सालों से, 3 महीने से, 2 घंटे से, या हमें बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया गया है, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी भी समय के बारे में बात करें, तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा, सही समय, तिथि
बताया गया हो तो सिंस का इस्तेमाल करें, और जब ना बताया गया हो, सिर्फ अवधि बताई गई हो, तब आप फॉर का इस्तेमाल करें। इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।